Hello and welcome to my YouTube channel. I am Irfan Aslam and you are watching my YouTube channel I Short Hand. नाज़रीन, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं अपनी हर वीडियो में शॉर्ट हैंड के स्कोप को और शॉर्ट हैंड के कैरियर को बहुत ज़्यादा डिस्कस करता हूँ और आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग भी ये स्किल सीखें और हमारी तरह कम वक्त के अंदर अपना फ्यूचर सिक्योर कर लें। जी नाज़रीन, शॉर्ट हैंड एक्चुअली क्या स्किल है कि जिसको सीखने के बाद आप पाकिस्तान के बहुत अहम इदारों के अंदर, इवन के पाकिस्तान के हर इदारे के अंदर आप प्योरली मेरिट 100% ऑन मेरिट बगैर किसी सिफारिश और रिश्वत के आप ग्रेड 14, ग्रेड 15, ग्रेड 16, ग्रेड 17 तक की नौकरी डायरेक्ट हासिल कर सकते हैं। और इसके लिए आपको ना तो किसी की सिफारिश करवानी पड़ती है और ना ही आपको किसी को कहना पड़ता है कि यार हमारी फ़लानी जगह जॉब है, हमने अप्लाई किया हुआ, हमें लगवा दें। ऐसा कतई नहीं करना पड़ता। अगर आपने शॉर्ट एंड स्किल सीख ली तो आपके लिए जॉब्स की बारिश हो जाती है। और ये बात मैं सिर्फ ऐसे नहीं कह रहा, बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं। एक एग्जांपल मैं खुद हूँ कि मैं खुद अभी तीसरी जॉब कर रहा हूँ। मैंने भी किसी के कहने पे शॉर्ट हैंड सीखी थी और जैसे ही मैंने शॉर्ट हैंड स्टार्ट की तो विद इन 6 मंथ्स जो है मैं पहली टेस्ट जो है मैंने पास किया था और उसकी मुझे पहली अपॉइंटमेंट मिल गई, फिर मुझे दूसरी मिली और इस तरह फिर अभी जो मैं जॉब कर रहा हूँ ये मेरी तीसरी अपॉइंटमेंट है। मेरी तो ये तीसरी अपॉइंटमेंट है लेकिन मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं, बहुत से ऐसे जाने वाले हैं जिनकी 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 जॉब्स लगी हैं शॉर्ट हैंड सीखने के बाद। तो ये एक ऐसी स्किल है कि अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आपके दरवाजे सारे खुल जाते हैं। अगर आप लोग ये समझते हैं कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही या नौकरी लगना बहुत मुश्किल है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि शॉर्ट हैंड एक शॉर्टकट वे है। अगर आप पाकिस्तान में सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं विद इन फ्यू मंथ्स, अगर आप ये स्किल सीख लेते हैं तो आपके लिए नौकरी लगना बहुत आसान हो जाता है। तो शॉर्ट हैंड का स्कोप क्या है, शॉर्ट हैंड पे कितना टाइम लगता है और इसको किस तरह करना चाहिए, इसकी जॉब्स कौन कौन से ग्रेड्स की होती है और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के अंदर आती हैं, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी और बहुत मशहूर और बहुत पुरानी एकेडमी की लोकेशन को शेयर करना है। एक बहुत ही आइडियल शॉर्ट हैंड की एकेडमी है और इस एकेडमी को शेयर करने का मकसद आप लोगों के लिए आसानी पैदा करनी है और आप लोगों के साथ आप लोगों को बताना है अच्छी अकेडमीज़ के बारे में कि आप लोग अगर शॉर्ट हैंड अकेडमी से करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास कौन कौन सी अकेडमी का ऑप्शन होना चाहिए। तो आज हम जिस एकेडमी के बारे में बात करने जा रहे हैं, एकेडमी का नाम है लाहौर शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर साइंस एकेडमी है। ये एकेडमी लाहौर में यतीम खाना में ये वाकया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो हमारी एकेडमी है वो गढ़ी शाह लाहौर में वाकया है, तो यतीम खाना और गढ़ी शाह से काफ़ी फासला आता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स भी करते हैं और पूछते हैं कि सर काइंडली हमें इकबाल टाउन के एरिया में कोई एकेडमी बताएँ, मुल्तान रोड के एरिया में कोई एकेडमी बताएँ या मुस्लिम टाउन में कोई एकेडमी बता दें। तो उन तमाम दोस्तों के लिए ये खुशखबरी है कि अगर आप लोग कैंपस पुल के एरिया से हैं या आप लोग मुल्तान रोड के एरिया से हैं या फिर आप शेराकोट के एरिया से हैं, इसी तरह अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी या पेखेवाल के एरिया से हैं, तो आप लोगों की एक्सेस में ये एकेडमी होगी, बहुत करीब होगी आप लोगों के एरिया में ये एकेडमी वाकया है। यतीम खाना चौक में ये एकेडमी वाकया है। एकेडमी का नाम है लाहौर शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर साइंस एकेडमी। एकेडमी के जो इंस्ट्रक्टर हैं वो हैं मिस्टर इफ्तिखार साहब। मिस्टर इफ्तिखार साहब अभी इस वक्त स्पेशल सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, BS 19 में काम कर रहे हैं, पब्लिक स्कूल सेफ्टी इनके डिपार्टमेंट का नाम है। तो वहाँ पे ये SPS BS 19 में काम कर रहे हैं जो कि एकेडमी के इंस्ट्रक्टर हैं। एकेडमी के जो टाइमिंग्स हैं वो सुबह मॉर्निंग में भी है और इवनिंग में भी है। एकेडमी का एड्रेस और सर का नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आप ये नंबर नोट कर लें, सर से कॉन्टेक्ट कर लें और एकेडमी एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें। तो ये एक आइडियल एकेडमी है शॉर्ट हैंड सीखने के लिए। आप पहले एकेडमी के चंद वीडियोस मुलाजा फरमाएं, उसके बाद आप लोगों के साथ मज़ीद चीज़ें डिस्कस करते हैं। Have specialized themselves in this field. For this purpose, they have generally separate buying department is to accept it to buy the goods to the best advantage of the wholesaler. It is the
responsibility of this department. जी तो नाज़रीन, आपने एकेडमी की कुछ वीडियोस देखी, आपने ये देखा कि किस तरह वहाँ पे एक प्रॉपर प्रोफेशनल वे में डिक्टेशन दी जा रही है, प्रॉपर अंदाज में वहाँ पे टाइपिंग सिखाई जा रही है। एमएस वर्ड के लेक्चर्स बकायदा तौर पे उनके लेटर्स के बड़े बड़े पोस्टर्स बना के लगा दिए गए हैं, रूल्स बना के लगा दिए गए हैं, यानी कि आप लोगों के लिए बहुत ही आसान कर दिया गया है शॉर्ट हैंड को सीखना, टाइपिंग को सीखना और एमएस ऑफिस को सीखना। तो मेरे आइडिया के मुताबिक ये एक आइडियल एकेडमी है, लाहौर की एक बहुत ही अच्छी और फेमस एकेडमी है। अगर आप लोग वाकई में शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो आप लोग कोई भी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में एकेडमी को शेयर करने का मकसद ये है कि वो स्टूडेंट्स जो दिल से शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं, जिनको जो ये समझ रहे हैं कि शॉर्ट हैंड मुझे करनी चाहिए, कि सर ने अगर जॉब हासिल कर लिया शॉर्ट हैंड सीखने के बाद तो फिर हमें भी ये शॉर्ट हैंड ज़रूर करनी चाहिए, तो मेरा मशवरा भी आप लोगों के लिए यही है कि अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट किया हुआ है, अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन की हुई है, इवन कि आप लोगों ने मास्टर्स तक किया हुआ है, उसके बावजूद भी आपको आपने हज़ार जगह अप्लाई किया लेकिन अभी तक आपकी कहीं भी जॉब नहीं हुई, तो आप लोगों को मेरा ये मशवरा है कि आप लोग शॉर्ट हैंड स्किल सीखें और इस पर अपना पूरा जोर लगाएं। चंद महीने लगते हैं इसको सीखने में और चंद महीनों के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इस वीडियो में मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ सारी सच बातें हैं और इंशाल्लाह ये सारी सच साबित होंगी। तो आपको एक दूसरा मशवरा ये देना चाहूँगा कि अगर आप लोग वाकई सिंसियर हैं शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन शॉर्ट हैंड सीखें ज़रूर, लेकिन आपको सबसे पहले अपने एरिया में कोई एक एकेडमी देखनी होगी। अगर स्टूडेंट्स शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो एकेडमी बेस्ट और प्रॉपर वे है शॉर्ट हैंड सीखने का। जिन लोगों ने एकेडमी ज्वाइन की हुई है वो ज़्यादा टैलेंटेड हैं शॉर्ट हैंड में उन स्टूडेंट्स की नस्बत जो कि ऑनलाइन सीख रहे हैं या घर में बैठ के सीख रहे हैं। सीख तो आप जाते हैं शॉर्ट हैंड, ऑनलाइन भी सीख जाते हैं, यूट्यूब की वीडियो से भी आप सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एकेडमी का ऑप्शन है तो आप एकेडमी ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि विदाउट एकेडमी आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अगर आप एकेडमी जाते हैं और एकेडमी रेगुलर जाएं, इसमें छुट्टी ना करें, इसमें अपना गैप ना ले करें, शॉर्ट हैंड स्टार्ट करनी है तो भरपूर अंदाज में स्टार्ट करें और इसको अपना पूरा टाइम दें, और इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ्स आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर देंगे, और वो दिन भी दूर नहीं होगा कि आप लोगों को धड़ाधड़ अपॉइंटमेंट ऑफर्स हो रही होंगी। तो मेरे इस चैनल पे लोगों की मोटिवेशनल वीडियोस भी हैं कि किन लोगों ने कैसे शॉर्ट हैंड स्टार्ट की और बहुत कम वक्त में उन्होंने जो है वो जॉब्स हासिल कर ली गवर्नमेंट की। तो कुछ अचीवमेंट्स हमारी अकेडमी की भी हैं, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो वीडियो भी ज़रूर देखें। आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इन स्टूडेंट्स ने भी शॉर्ट हैंड सीखी है और इन स्टूडेंट्स ने भी अपना जो है फ्यूचर बहुत कम वक्त में सिक्योर कर लिया है। तो मेरा ये मशवरा है आप लोगों को, अगर आप लोग वाकई गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं तो आप लाजमी शॉर्ट हैंड सीखें और अकेडमी से शॉर्ट हैंड सीखें। अपने एरिए में कोई भी अकेडमी देख लें, आप जिस मर्जी सिटी से हैं, अगर आपके इलाके में अकेडमीज नहीं हैं तो आपको चाहिए किसी अच्छी सिटी में शिफ्ट हो जाएं। अगर आप लाहौर के इर्द गिर्द के एरिया से हैं तो आप लाहौर शिफ्ट हो जाएं, वहाँ अपना 6 से 8 महीने शॉर्ट हैंड पर लगाएं। 6 से 8 महीने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपने वाकई एक अच्छा ऑप्शन सेलेक्ट किया है शॉर्ट हैंड का, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप बहुत जल्द सरकारी नौकरी पे होंगे।
आप लोगों को इतना मोटिवेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने भी इसी तरह ही शॉर्ट हैंड सीखी है। हमें भी किसी ने ही मशवरा दिया था कि अगर आप सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट हैंड सीखें, आप बहुत कम वक्त में सरकारी नौकरी लग जाएंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ सामने हूँ, मैंने शॉर्ट हैंड सीखी है, शॉर्ट हैंड पे 6 महीने मेरे लगे हैं और मुझे पहली जॉब 6 महीने बाद अल्लाह के फजल व करम से मिल गई थी। उसके बाद मुझे 2 जॉब्स और मिल गई थी। तो आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद एक तो आप लोगों के साथ एकेडमी की लोकेशन को शेयर करना था और दूसरा आप लोगों को आज फिर से मोटिवेट करना था कि अगर आप लोग सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो अपना टाइम ज़ाया किए बगैर शॉर्ट हैंड स्किल को पकड़ें, इसको सीखें और अपना फ्यूचर मुस्तकबिल करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने ज़्यादा बोर नहीं किया होगा, आपको मेरी वीडियो पसंद ही होगी। खैर, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।